guys, check out my new riding boots. So finally bought them. Chalo iski unbox. So मैंने जो ऑर्डर किया है वो है राइडिंग बूट्स फ्रॉम ओराजो. सो अगर इसकी पैकेजिंग देखेंगे तो पैकेजिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी. सो दीज आर दी ओराजो बूट. सो इन बूट्स के बारे में और बताता हूँ मैं. चलिए पहले बाइक स्टार्ट करते हैं, रवाना होते हैं और बाइक पे बात करते हैं. ऑलराइट, सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट दिस राइडिंग बूट्स. और मैं बताऊंगा कि मैंने राइडिंग बूट्स क्यों चूज़ किए हैं, क्या चीज़ें थी मेरे माइंड में बिफोर एक्चुअली प्लेसिंग एन ऑर्डर. बाय द वे आई बॉट दिस ऑन अमेजोन फॉर 3799 रुपीज़. पिछले 6 महीने में इसका प्राइस 1000 रुपये से ऊपर बढ़ चुका है. मे बी बिकॉज नाउ इट इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द बाइकर्स एंड आई फील दैट दीज आर द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी राइडिंग बूट्स अवेलेबल इन द मार्केट एज ऑफ नाउ. What all points I had it in my mind before actually placing an order. So number one was obviously protection, second one was comfort, and third one was the durability, and last but not the least was the value for money. So mere hisab se these riding boots actually ticks all these boxes for all these points, and that's the reason I actually went ahead and then placed an order for this. Main pehli baar pehen ke chala raha hu and I feel very safe and secure. एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़रूर आता है ये राइडिंग बूट्स पहनने के बाद में. सो एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात करूँगा. 8 इंच की हाइट है इन राइडिंग बूट्स की, और इसका जो लेदर यूज़ किया गया है वो हाईएस्ट ग्रेड ऑफ लेदर इज़ बीइंग यूज्ड टू गिव यू द बेस्ट एब्रेशन रेजिस्टेंस. दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज़ क्लेमिंग ऑन द वेबसाइट. दूसरा चीज़ आपको मैं ध्यान से देखने पर मेरे को पता लगा कि इसकी हाई इम्पैक्ट एरियाज़ के ऊपर डबल स्टिचिंग है, विच इज़ वेरी वेरी असेंशियल, क्योंकि वो एब्रेशन रेजिस्टेंस के अलावा आपको ड्यूरेबिलिटी भी देता है. और इसके अलावा आपको मिलता है स्टील टो इंसर्ट. सो इन केस ऑफ अ फॉल, अगर आपका पैर नीचे फंस भी जाता है देन इट विल कीप योर टोज प्रोटेक्टेड. इन राइडिंग बूट्स में दोनों तरफ में प्रोटेक्शन के लिए, एंकल प्रोटेक्शन के लिए लेदर की एक लेयर दी गई है, विच इज़ अ गुड थिंग. आगे बात करूँगा इसमें, इसका जो सोल है वो काफ़ी ठीक है और फ्लेक्सिबल है. सो व्हेन यू वांट टू वॉक विद दिस राइडिंग बूट्स आई थिंक इट्स वेरी कंफर्टेबल. सो दीज आर द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन. सो इट इज़ हैविंग सी सर्टिफिकेशन एंड ISO ऑल्सो. आई विल गिव यू द स्नैपशॉट फ्रॉम द वेबसाइट. आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द सर्टिफिकेशन नंबर इफ़ दैट इज़ फॉर द राइडिंग बूट्स और इंडस्ट्रियल बूट्स. ठीक है, तो मैं इसमें कन्फर्म नहीं हूँ, सो आई कॉन्ट रियली कमेंट. लाइट रिफ्लेक्शन का भी प्रोविज़न है इसके बैक साइड में. अगेन प्रोटेक्शन में जो इसका सोल है, सो इसका जो सोल है और उसके अंदर ट्रेड्स हैं, इट गिव्स यू अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द रोड. अगर ऑयल वगैरह भी है रोड पे देन इट विल होल्ड यू वेल ऑन द रोड. ओके, सो इसी में आगे सोल पे ऑन योर हील देर इज़ अ शॉक एब्जॉर्प्शन. मुझे नहीं पता कैसे काम करता है, बट सो ये जो हरिता रिसोर्ट है यहाँ पे पानी वानी पिया है, बिकॉज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अचानक से. हैदराबाद में ठंड से गर्मी शुरू हो गई है. ये ऐसे बैंड होता है जो कि जहाँ पे भी यू कैन वॉक वेरी इजीली इन दिस बूट्स, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, बिकॉज जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दिया है. ऑल दो फॉर ऑफ रोड दिस आर नॉट द बूट फॉर ऑफ रोड, एंड दे हैव ऑल्सो वेरी क्लियरली मैंशन ऑन देयर वेबसाइट दैट दिस इज़ फॉर टूरिंग एंड डेली कम्यूटिंग. हाँ, सो ओराजो की राइडिंग बूट्स का मैं एक्सटर्नल फीचर्स तो सारे बता दिए. अंदर जो पैडिंग है इसकी वो भी काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है,
और काफ़ी अच्छी कुशनिंग है अंदर की तरफ में। दूसरी चीज़ है कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट किया गया है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज़ कि जो पसीना होता है, पसीने होने के बाद में अंदर फंगल ग्रोथ होने की काफ़ी चांसेस होते हैं। सो क्या इस राइडिंग बूट में सारी चीज़ें अच्छी हैं? देर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, परफेक्ट तो कुछ होता ही नहीं है। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, चलो उनके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो जैसे कि मैंने बताया, देर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट, हर चीज़ में कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं। इसमें अगर दो चीज़ें और ऐड हो जाए इन राइडिंग बूट्स में तो मज़ा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसके कुछ एरियाज़ में जहाँ पे सिंगल स्टिचिंग है, अगर वहाँ पे भी डबल स्टिचिंग आ जाएगी, ये जिप एरिया है, वहाँ पे ये ऊपर का एरिया है, ये सभी जगह पे अगर डबल स्टिचिंग आ जाएगी सो आई थिंक ड्यूरेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बट ऐसा कोई इसमें कमी है वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके अलावा दो और चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल, इसका जो स्टील टो इंसर्ट है उसकी वजह से आगे से इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। सो इसमें क्या इशू आ रहा था मुझे कि जब गियर शिफ्टिंग करते हैं तो गियर नॉब के नीचे ले जाना पड़ता है अपने शूज़ को और फिर अप शिफ्ट करना पड़ता है, तो इसकी हाइट की वजह से थोड़ा सा मुझे इशू आ रहा था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी बट थोड़ा बहुत तो हो रहा था, इसलिए बताना ज़रूरी है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी की बात करूँगा, विच इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्राडिक्टरी टू द कम्फर्ट पॉइंट, जो कि कम्फर्ट ये था कि यू कैन वॉक वेरी इजीली इन दिस राइडिंग बूट्स, और वो इसलिए क्योंकि इसका फ्लेक्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ से ये फ्लेक्स हो सकता है। केस ऑफ अ फॉल आपका लेग ट्विस्ट कर सकता है, एंकल ट्विस्ट कर सकता है। सो इसी वजह से हाई एंड राइडिंग बूट्स जो आते हैं वो उसमें प्रोविजन होता है कि इट वॉन्ट अलाउ योर फुट टू फ्लेक्स मच, और इसी वजह से वो चलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है उन राइडिंग बूट्स के साथ में। दैट्स द ओनली पॉइंट, आई एम जस्ट नीटपिकिंग एंड हाईलाइटिंग सम ऑफ द एरियाज ओनली विच मे और मे नॉट बॉदर एनीवन। मेरे हिसाब से दीज आर नॉट द डील ब्रेकर पॉइंट्स। 4000 के नीचे इतने सारे फीचर्स के साथ में कोई राइडिंग बूट्स अवेलेबल नहीं है मार्केट में, जहाँ तक मुझको पता है। दीज आर द बेस्ट राइडिंग बूट्स अवेलेबल इन द मार्केट सो फार इन माई नॉलेज। सो इफ एनीबडी इज कॉन्टेम्पलेटिंग और थिंकिंग टू बाय दीज राइडिंग बूट्स, आई थिंक यू कैन गो अहेड इफ़ योर बजट इज़ बिलो 4000। 5000 भी है अगर आपका बजट, तो 5000 के नीचे भी इतनी सारी फीचर्स के साथ में कोई राइडिंग बूट्स नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म पे कंफर्ट कैसा रहता है और बाकी सारी चीज़ें कैसी रहती हैं लॉन्ग टर्म यूसेज पे, ये तो मैं कुछ टाइम के बाद में ही बता पाऊँगा और एक फुल कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू बनाऊँगा इस राइडिंग बूट्स के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और दैट्स ऑल अबाउट दिस राइडिंग बूट्स। और एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको सी सर्टिफिकेशन या ISO सर्टिफिकेशन के बारे में, सो आप जाएं और देखें, मैंने आपको स्नैपशॉट बताया ऑलरेडी, वो देखें। और दिस कम्स अंडर क्लास वन बूट्स में आता है, राइडिंग यूज़ नहीं किया गया है ISO में। बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के बाद में ही ये सर्टिफिकेशन मिलता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है इस राइडिंग बूट्स के बारे में सो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ। और ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। आपको अगर ब्लॉग पसंद आया हो सो गिव इट अ लाइक, शेयर इफ़ यू फील दैट इट इज़ यूजफुल फॉर एनीबडी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट ब्लॉग, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड राइड सेफ। बाय।